हाय, वेलकम टू माय चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन इज फादर, ओके। तो अमन का जो एज है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है अपने बेटे के। सोचिए, 3 गुना है, मतलब इसका मान लीजिए कि इसका 5 ईयर्स होगा सन का, तो अमन का हो सकता है 15 ईयर्स। अब कह रहा है 10 ईयर्स एगो, लेकिन 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। लेकिन 10 साल पहले जो है वह अपने बेटे के 5 गुना था। ऐसा हो सकता है क्या? खैर, हो सकता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब 10 साल पहले वो 5 गुना था, लेकिन इस समय प्रेजेंट में वो 3 गुना है। इन दोनों पे गौर करिए, मतलब केवल टाइम के बीतने से उन दोनों के उम्र में मल्टीपल्स का चेंज आ जाता है। ठीक है, खैर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले बोला है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, तो हम पहले वाले सेंटेंस के अनुसार बना लेंगे कि क्या करना होगा। तो पहले सन्स की एज मानना पड़ेगा एक्स, और उसके बाद से 3 गुना कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, तो निकल जाएगा अमन का एज। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स अमन्स सन, ओके, अमन की बेटी का ना, अमन्स सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन 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 का ही इज इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स, 3x ईयर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब कह रहा है कि 10 साल पहले उन दोनों में रिलेशन ऐसा था। ये एक्चुअली क्या दिया है ना, एक रिलेशन दिया हुआ है कि 10 साल पहले जाएंगे, 10 ईयर्स एगो जाएंगे, तो उसके बेटे के एज में और उसके एज में जो रिलेशन होगा वो 5 टाइम्स का होगा। तो हम क्यों ना पहले इनका जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से हम 10 ईयर्स पहले चले जाएं, तब हम इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, है कि नहीं। तो हम जाएंगे पहले 10 ईयर्स एगो, तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो दी एज ऑफ अमन्स सन वाज, लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स में से हम क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि 10 साल पहले जाना है। यदि इसमें कोई डाउट आपको हो रहा होगा तो एक एग्जांपल समझिएगा। यदि आपकी उम्र 20 ईयर्स है इस समय, या फिर 15 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा, यदि आपकी 15 ईयर्स है तो 10 ईयर्स पहले आपका हो जाएगा 5 ईयर्स, क्योंकि आप 15 में से 10 माइनस करेंगे। ठीक वैसे यहां भी हो रहा है, एक्स ईयर्स है तो एक्स माइनस 10 ईयर्स हो जाएगा। ग्रेट, नाउ 10 ईयर्स एगो एज ऑफ अमन इज इक्वल टू क्या होगा, 3x माइनस 10। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया यहां पे, 10 साल पहले उनकी उम्र क्या थी। तो यहां पर 10 साल पहले ये अमन का है, उसके बेटे का ये है। अब इन दोनों में के रिलेशन है वो क्या है कि 5 गुना है अमन अपने बेटे से। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, समझिएगा, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये तो बड़ा ही होगा, तो ये इक्वल टू कब होगा, जब 3 गुना कर देंगे इसका, सॉरी 5 टाइम्स, 5 गुना हो जा रहा है, 5 टाइम्स करेंगे जब एक्स माइनस 10 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और यहां से सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 5x माइनस 50, और 3x, ये 5x को इधर लाएंगे तो मिलेगा 2x माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां पे माइनस 50 है, माइनस यहां प्लस 10 हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा -40।
माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये मिल गया एक्स इजकल टू 40/2, और ये कटेगा तो ये मिलेगा 20 ईयर्स, और ये एक्स जो आया है वो अमन के बेटे का एज है, तो दोनों का निकालना है तो लिख सकते हैं हेंस द एज प्रेजेंट एज, ओके हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज इक्वल टू, यदि 20 ईयर्स हैं तो प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में 3x था, तो 3 × 20 मीन्स 60 ईयर्स, गॉट इट। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसको, पहले हम थोड़ा सा देखते हैं जो यहाँ पे हो रहा था, तो उसको क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, आपका आंसर यही है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं वेरीफाई करके दिखाना चाहता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे यदि उनका प्रेजेंट जो एज हमने निकाल लिया है, प्रेजेंट एज सन का जो है 20 है और इसका 60 है, यदि मैं 10 टाइम्स एगो जाऊँ तो क्या ये 5 गुना हो जाएगा, देखिए 3 गुना है ना यहाँ पे, 3 गुना है। यदि मैं 10 ईयर्स पहले जाऊँ तो क्या ये हो जाएगा, क्या 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 5 गुना, तो देखते हैं, तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 10, यहाँ भी माइनस कर देते हैं 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 50, तो सीधे लग रहा है कि ये 10 से 5 गुना ही है। यदि 10 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 50 आएगा, तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर जो है सही कर रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, यदि आपको कोई भी डाउट है तो, यदि डाउट नहीं है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि वो भी जाने। Thank you so much for watching till now.